दोस्तों स्वागत है आप सभी का एप्स पॉइंट में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ढांसू एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, दोस्तों आप सोते रहेंगे और आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिक मैसेज कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपको रात में 12 बजे किसी को बर्थडे विश करना है या फिर 2 बजे रात के 3 बजे आपको किसी को मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। अब इतनी रात को उठकर आप मैसेज तो नहीं करेंगे, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हैं और आपका मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, आपको ओपन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको कुछ परमिशन देना है इस एप्लीकेशन को, ऑटो स्टार्ट की परमिशन को ऑन कर देना है। इसके बाद अदर परमिशंस में जाना है और यहां पर आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। अगर आप इसे ठीक तरह से परमिशन नहीं देंगे तो ये एप्लीकेशन आपके फोन में काम नहीं करेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको इसे एक्सेसिबिलिटी परमिशन को भी अलाउ कर देना है, इसके बाद आपको यहां पर इसे फिनिश करके अलाउ कर देना है। अब ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब इस एप्लीकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बैक आ जाना है। इसके बाद आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। किस बंदे को आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं रात में, किसे आप बर्थडे विश करना चाहते हैं, उसकी चैट को आपको ओपन करना है। जिसे आप चैट ओपन करेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहां पर पहले मैं इस मैसेज को डिलीट कर देता हूं क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को ट्राई किया था। अब यहां पर दोस्तों अगर आपको कोई भी मैसेज अगर शेड्यूल करना है तो आपको यहां पर मैसेज के आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, नीचे आपको शेड्यूल मैसेज पर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों आपको ओके करना है। अब यहां पर दोस्तों आपको शेड्यूल पर क्लिक करके डेट सेट कर देना है। तो यहां पर मैं 28 तारीख ही रहने देता हूं क्योंकि यहां पर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अब इस वक्त दोस्तों मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं 4:04 हो रहे हैं, तो मैं यहां पर 4:05 इसे सेट कर देता हूं मैसेज को और ओके कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप इसे रिपीट करना चाहते हैं तो आप यहां पर रिपीट कर सकते हैं, और यहां पर आप व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस को यहां पर सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैसेज सेंड होने से पहले आपको ये एप्लीकेशन एक बार इन्फॉर्म कर दे तो आप यहां पर सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट मैसेज सेंड हो जाए आपकी परमिशन के बिना तो आप इस सेटिंग को ऑफ रहने दीजिए। इसके बाद यहां पर आपको अपना मैसेज यहां पर टाइप कर देना है, जैसे कि यहां पर मैं टाइप कर देता हूं आई लव यू। ये मैसेज मैंने टाइप किया लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं टाइमिंग यहां पर चेंज हो चुका है, तो यहां पर मैं 4:06 कर देता हूं और ओके कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं मैसेज को सेंड कर देता हूं। अब दोस्तों ये मैसेज मेरा सेट हो चुका है। अब जैसे ही दोस्तों मेरे मोबाइल में 4:06 हो जाएंगे तो दोस्तों यहां पर ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। यहां पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे पास है 2 मोबाइल, तो यहां पर थोड़ा सा मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर टाइमिंग शुरू हो चुका है। अब ऑटोमेटिक मैसेज दोस्तों यहां पर इस मोबाइल पर आ जाएगा। तो काफी यूजफुल एप्लीकेशन है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आप देख सकते हैं यहां पर ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ओपन हो गया है और यहां पर ऑटोमेटिक मैसेज टाइप होकर मैसेज यहां पर आ भी चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।